तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज के डेट में हमारे पूरे के पूरे देश जो है कोरोना वायरस से जूझ रहा है, ये बात हम लोग सबको ही जानते हैं। मतलब दोस्तों एक्चुअली हमारे देश नहीं, पूरे के पूरे दुनिया जो है आज के डेट में कोरोना वायरस से जूझ रहा है। तो ऐसे में इसीलिए दोस्तों हमारे देश को जो है 21 दिन के लिए जो है लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग कोई भी जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक्चुअली निकलना भी नहीं चाहिए दोस्तों, हम भी घर से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो कभी भी जो है हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं कोरोना वायरस से। तो ऐसे में जैसे ही हम लोग कोई भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो हमारे से जो है हमारे पूरा पूरे के पूरे फैमिली जो है इन्फेक्टेड हो सकता है। मतलब दोस्तों आज के डेट में घर से बाहर ना जाने में ही समझदारी है। तो हम भी दोस्तों घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर बैठ के वीडियो बनाते हैं। और यहाँ दोस्तों जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम जो है बाहर नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। और किसी भी तरह का दोस्तों मतलब किसी भी तरह से घर में बैठ के जो वीडियो को अपलोड देने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी दोस्तों चलिए बातें कर लेते हैं काम के बारे में। मतलब दोस्तों आज हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में दो दो फोन के बारे में, जिसमें से एक हो गया आपका सैमसंग गैलेक्सी M21, दूसरा हो गया सैमसंग गैलेक्सी M31। हाँ दोस्तों दोनों ही फोन जो है सैमसंग का फोन है, दोनों ही फोन सैमसंग का एम सीरीज का फोन है, और दोनों ही फोन दोस्तों हाल ही फिलहाल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। तो ऐसे में दोनों फोन का प्राइस में आपको जो है 2-2 हज़ार का अंतर देने को मिलता है। मतलब प्राइस में भी जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे चीज़ जो है दोनों फोन में आपको सेम देने को मिलता है। तो ऐसे में काफ़ी सारे बंदे दोस्तों जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन प्रोसेस करा जाए। तो जो भी है दोस्तों इसी के बारे में वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। मतलब दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी M21 या M31 को प्रोसेस करना चाहिए, दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको प्रोसेस करना चाहिए दोस्तों, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लगन तक देखते रहिए। कैसे मैं कहूँगा दोस्तों आप जो बड़े आराम से जान पाएंगे कि भाई आपको जो सैमसंग गैलेक्सी M21 को खरीदना चाहिए या आपको खरीदना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M31 को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल बार्गेनिंग। और इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले दो दो फोन के बीच, और दोनों ही फोन सैमसंग के फोन है, दोनों ही फोन सैमसंग का एम सीरीज के फोन है, जिसमें से एक हो गया आपका सैमसंग गैलेक्सी M21, दूसरा हो गया सैमसंग गैलेक्सी M31। दोस्तों सबसे पहले बातें कर लेते हैं दोनों फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। देखिए दोस्तों दोनों ही फोन का बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन बिल्कुल सेम होने वाला है। मतलब दोनों ही फोन में आपको जो है प्लास्टिक बॉडी डिजाइन देने को मिल जाता है, और लुकिंग के मामले में दोस्तों दोनों फोन बिल्कुल सेम दिखता है। मतलब दोस्तों दोनों ही फोन का सामने तरफ आपको जो है सेम साइज का डिस्प्ले प्रोवाइड करा जा रहा है, और दोनों ही फोन का डिस्प्ले में आपको जो है वाटर ड्रॉप वाले नॉच देखने को मिलता है, जिसको सैमसंग ने कहता है इन्फिनिटी यू वाला नॉच। मतलब सामने से आप पता नहीं लगा सकते कि भाई कौन सा M31 और कौन सा M21 है। और जहां तक बात रहा पीछे तरफ की, तो दोस्तों पीछे तरफ से भी जो है दोनों फोन बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो कैमरा का जो सेटअप है इसमें आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा M21 और कौन सा M31 है। मतलब सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको पीछे में जो है 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और M21 में आपको देखने को मिलता है 3 कैमरा सेटअप। तो यहाँ जो है दोस्तों फर्क है, बाद बाकी दोनों फोन का डिजाइन में बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल ही अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सामने से आप पता नहीं लगा सकते, लेकिन आप पीछे से देख के जो है गौर से अगर देखेंगे तो कैमरा सेटअप में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, जिसमें से आप जो है दोस्तों पता लगा सकते हैं कि कौन सा कौन वाला मोबाइल है। तो जो भी है दोस्तों बिल्ड क्वालिटी दोनों का सेम होने वाला है, लुक और डिजाइन दोस्तों बिल्कुल ही दोनों का सेम होने वाला है। तो चलिए अभी बातें कर लेते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो जहां तक बात है डिस्प्ले की दोस्तों, दोनों फोन का जो डिस्प्ले है ना बिल्कुल ही सेम होने वाला है। मतलब दोनों ही फोन में आपको जो 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। साथ में दोनों फोन का डिस्प्ले में आपको जो दोस्तों फुल HD+ के रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, और साथ में दोनों फोन का डिस्प्ले में आपको गोल्डन ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और इन्फिनिटी यू वाला नॉच दोस्तों दोनों फोन का डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का डिस्प्ले की, दोस्तों दोनों फोन का डिस्प्ले काफी अच्छे होने वाला है, बहुत ही बेहतर डिस्प्ले दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में दोनों फोन का जो डिस्प्ले है बिल्कुल ही सेम होने वाला है, आपको बिल्कुल ही अंतर देखने को नहीं मिलेगा दोनों फोन का डिस्प्ले में। तो दोस्तों ये बातें कर लेते हैं दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब दोनों फोन में क्या क्या प्रोसेसर यूज किया गया है उसके बारे में। तो जहाँ तक बात रहा परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों दोनों फोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मतलब दोनों फोन में आपको जो 1906 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है। साथ में आपको देखने को मिलता है माली G72 MP3 GPU। मतलब दोस्तों दोनों फोन का जो परफॉर्मेंस है ना, ये भी आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों ही फोन में आपको जो है सेम प्रोसेसर सेम चिपसेट यूज किया गया है। तो परफॉर्मेंस में भी दोस्तों ये आपको बिल्कुल अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बातें कर लेते दोनों फोन के कैमरा के बारे में। तो दोस्तों कैमरा में जो है दोनों फोन में आपको अंतर देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों दोनों फोन में जो है अलग अलग कैमरा सेटअप यूज किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 के पीछे में आपको जो है 4-4 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा हो गया 64 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 8 मेगापिक्सल का, तीसरा हो गया 5 मेगापिक्सल का, चौथा भी जो है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है। तो ऐसे में जो आपका 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है दोस्तों, ये जो है
मेन कैमरा होने वाला है और 8 मेगापिक्सल का जो है वाइड एंगल लेंस होने वाला है और 5 मेगापिक्सल का एक होने वाला है माइक्रो लेंस और जो दूसरा 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा है दोस्तों ये होने वाला है डेप्थ सेंसर। दोस्तों ये बातें कर लेते सैमसंग गैलेक्सी M21 के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 के पीछे में आपको जो है तीन कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा हो गया 48 मेगापिक्सल का, दूसरा हो गया 8 मेगापिक्सल का, तीसरा हो गया 5 मेगापिक्सल का। तो ऐसे में जो आपका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ये दोस्तों मतलब मेन कैमरा होने वाला है और जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने वाला है और जो 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा है दोस्तों ये एक डेप्थ सेंसर होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में जहां तक बात रहा ओवरऑल दोनों फोन का कैमरा की, तो यहां जो है सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो कैमरा सेटअप है आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जाता है। मतलब सैमसंग गैलेक्सी M31 के पीछे में आपको जो है चार कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, मतलब सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको जो माइक्रो सेंसर एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहा है। साथ में सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो मेन कैमरा है दोस्तों वो ज्यादा मेगापिक्सल के होने वाला है, मतलब यहां आपको 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको दोस्तों 48 मेगापिक्सल के मेन कैमरा देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों सारी चीज मिला के अगर देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो कैमरा सेटअप है आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जा रहा है, मतलब ज्यादा मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है, साथ में एक कैमरा सेंसर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसे में ओवरऑल जहां तक बात रहा दोनों फोन का कैमरा की, तो सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो बैक कैमरा है ना ये आपको बेहतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये बातें कर लेते हैं दोनों फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले बातें करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M21 के सेल्फी कैमरा के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 में आपको 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये बातें कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 के सेल्फी कैमरा के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। और साथ में सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो सेल्फी कैमरा है ना, इससे आप जो 4K वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट में दूसरा कोई भी फोन आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस फोन का सेल्फी कैमरा से आप जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि दोस्तों इस फोन का कैमरा आप कर सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो ऐसे में ओवरऑल जहाँ तक बात रहा दोनों फोन का सेल्फी कैमरा की, दोस्तों यहाँ जो है सैमसंग गैलेक्सी M31 का सेल्फी कैमरा आपको थोड़ा सा बेहतर देखने को मिल जाता है, आपको ज़्यादा मेगापिक्सल का मिल रहा है, साथ में जो 4K वीडियो भी रिकॉर्डिंग दोस्तों कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 के सेल्फी कैमरा की मदद से। तो यहाँ अगर सेल्फी कैमरा की बातें करते हो सैमसंग गैलेक्सी M31 का जो सेल्फी कैमरा है ना, आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी M21 के सेल्फी कैमरा के मुकाबले में। तो दोस्तों ये बातें कर लेते हैं दोनों फोन के बैटरी के बारे में। तो जहां तक बात रहा बैटरी की, तो दोस्तों दोनों ही फोन में आपको जो सेम बैटरी देखने को मिलता है, मतलब दोनों ही फोन में आपको जो 6000 mAh के बैटरी देखने को मिल जाता है। साथ में दोनों ही फोन के बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है 15 W के फास्ट चार्जर। मतलब दोस्तों दोनों ही फोन का जो बैटरी क्वालिटी ना सेम होने वाला है, 6000 mAh के बैटरी दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाता है। जो चार्जर है दोस्तों ये भी सेम होने वाला है, मतलब बैटरी डिपार्टमेंट भी दोस्तों दोनों फोन का बिल्कुल आपको सेम देखने को मिल जाता है। साथ में USB टाइप सी दोस्तों दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। मतलब बैटरी जो दोस्तों दोनों फोन का बिल्कुल सेम होने वाला है। साथ में दोनों फोन में आपको जो दोस्तों सारे का सारे सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। साथ में दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, मतलब दोनों फोन में आप जो है 2 SIM कार्ड और एक SD कार्ड को एक साथ में बड़े आराम से यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में दोनों फोन में आपको जो है दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। साथ में दोनों फोन में आपको देखने को मिलता है UI 2.0 के सपोर्ट और दोस्तों Wide 1 L1 और Camera 2 APK सपोर्ट दोस्तों दोनों फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। तो चले भी बातें कर लेते हैं दोनों फोन के प्राइस के बारे में। तो जहां तक बात रहा प्राइस की, तो सबसे पहले बातें करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M21 के बारे में। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M21 का दो वेरिएंट आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो ऐसे में सैमसंग गैलेक्सी M21 के दोनों वेरिएंट आपको जो है 13 से लेकर 15,000 रुपए के अंदर में देखने को मिल जाता है। वही सैमसंग गैलेक्सी M31 के दोनों वेरिएंट आपको दोस्तों 15 से लेकर 16,000 रुपए के अंदर में देखने को मिल जाता है। मतलब दोनों फोन का प्राइस में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, 2,000 का अंतर देखने को मिल जा रहा है दोनों फोन का प्राइस में। तो ये बातें कर लेते कि भाई दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर है और दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों दोनों ही फोन बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है, दोनों फोन में आपको मतलब सारी चीज लगभग आपको सेम देखने को मिलता है। एक चीज का खाली अंतर आपको देखने को मिलता है, वो हो गया कैमरा। बात बाकी बैटरी सेम होने वाला है, डिजाइन सेम होने वाला है, डिस्प्ले सेम होने वाला है, प्रोसेसर सेम होने वाला है, चार्जर आपको सेम मिल रहा है। मतलब यह दोस्तों सारे का सारे चीज आपको सेम देखने को मिल जाता है खाली कैमरा के सिवा। तो यहाँ मतलब बात निकाल के आता है कि भाई आपको फोन में अच्छे कैमरा चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब आपको अगर फोन में बहुत एक अच्छे कैमरा का सेटअप चाहिए तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ जाना चाहिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके। तो ऐसे में सैमसंग गैलेक्सी M21 का भी जो कैमरा है दोस्तों बहुत अच्छे होने वाला है, ये खराब नहीं है भी दोस्तों, बहुत अच्छे कैमरा होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा और बेहतर कैमरा चाहिए तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ जाना चाहिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके। और आपको अगर मतलब 48 मेगापिक्सल के कैमरा से काम चल जाएगा तो दोस्तों आपको जो है सैमसंग गैलेक्सी M21 के साथ ही जाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात रहा दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन की, तो मैं कहूंगा कि दोस्तों आप जब 12-13,000 रुपये खर्चा कर ही रहे हो तो दोस्तों 1-2,000 रुपये और दे करके आप जो सैमसंग गैलेक्सी M31 का ही प्रोसेस कर लीजिए, बेटर रहेगा।
क्योंकि भाई सैमसंग गैलेक्सी M31 में क्या है कि थोड़ा सा देखिए कैमरा थोड़ा बेहतर देखने को मिल जा रहा है, सेल्फी कैमरा दोस्तों और अच्छा मिल रहा है आपको, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है सेल्फी कैमरा में। बात बाकी दोनों फोन बिल्कुल सेम होने वाला है, लेकिन दोस्तों हम आपको कहेंगे कि आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा देकर के सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सैमसंग गैलेक्सी M21 को भी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फोन दोस्तों बहुत अच्छे फोन होने वाला है। यह सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको अच्छे कैमरा वाले फोन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा फोन चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों यह जो है आप सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर अच्छे कैमरा वाले फोन चाहिए आप जो है सैमसंग गैलेक्सी M31 की तरफ जाइए, नहीं तो आप जो है सैमसंग गैलेक्सी M21 के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये सर बातें आपसे करनी थी दोनों फोन के बारे में जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप जो है समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जानकारी है ये आपका अच्छा लगा हो, ये जो वीडियो है ये आपका अच्छा लगा हो। ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपना दोस्त अपने फैमिली वाले का, ताकि जानकारी है इसके बारे में लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।